जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिजली बिल की गणना कैसे की जाती है और बिजली का जो मीटर होता है उसे चेक करने का क्या विधि होती है, उसे कैसे चेक किया जाए कि हमारा मीटर प्रॉपर काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। तो देखिए, बिजली बिल की जो गणना की जाती है यानी कि हमारे घर का जो कंजप्शन है, बिजली बिल मतलब कितना यूनिट खर्च हो रहा है, उसकी गणना कैसे की जाती है, तो मैंने एक इसके लिए प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है। मैं कहूँगा कि आप भी एक इस प्रकार की लिस्ट बनाइए और तब उसके माध्यम से समझिए। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डाला कि मेरे घर पर कितने उपकरण लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ मान लीजिए 3 उपकरण लगे हुए हैं। वैसे तो और भी हैं जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह या फिर मेरी जो प्रेस करने की मशीन, तो इन सबको तो फिर नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसे तो काफ़ी बन जाएंगे लिस्ट। मैंने मेनली 3 लिए हैं, ठीक है, बल्ब, पंखा और फैन। ठीक है, LED बल्ब लिया, पंखा लिया, ऊपर मैंने एक फैन लिया। इन 3 के माध्यम से समझेंगे कि हमारा घर का जो खर्चा है एक महीने में कितना बनता है, एक दिन में कितनी यूनिट खर्च होती है और उसके बाद जो हमारा बिजली का बिल बन करके आता है वो उससे मैच खाता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर डाला क्रम संख्या, पहले मैं बल्ब डाला, बल्ब, ठीक है, तो बल्ब, उसके बाद मतलब वो कितने वाट का है उसकी संख्या लिखी, उसके बाद मैंने कितने बल्ब लगे हुए हैं वो संख्या डाली, यंत्रों की संख्या, आगे फिर मैंने डाला टोटल मतलब कितनी यूनिट खर्च हो रही है उनके माध्यम से वो, उसके बाद ये कितने समय तक चल रहे हैं, परिचालन की अवधि क्या है, वो भी मैंने घंटों में लिए। ठीक है, तो घंटों में लीजिए ना कि मिनट में लीजिए, क्योंकि मिनट में लोगे मिनट में तो क्या कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि यूनिट जो है घंटे के हिसाब से निकाली जाती है। उसके बाद क्या किया जाती है, उसके बाद यूनिटों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, तो यूनिटों की संख्या क्या है, यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। 1000 का क्यों भाग देते हैं, 1000 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि यूनिट जो होती है किलो वाट घंटा में होती है। एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट के बराबर होता है KWH। ठीक है, तो K मतलब किलो और W मतलब वाट घंटा, तो वाट क्या है, वाट यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की जो है इकाई है। ठीक है, जैसे कि हम समय को सेकंड में मापते हैं उसी प्रकार से जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे हम वाट में मापते हैं। ऊर्जा की दूसरी भी इकाई है जो हॉर्स पावर है, जो इंजन मोटर्स वगैरह मापी जाती है, लेकिन यहाँ इसे यूज कर रहे हैं वाट को केवल। तो बल्ब हमारे कितने, 1 9 वाट का बल्ब है और टोटल मेरे घर पर जो है 4 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, 9 वाट का 4 बल्ब लगे हुए हैं। फैन जो है जो एक 100 वाट का है, 100 100 वाट के मेरे यहाँ पर 3 बल्ब फैन लगे हुए हैं और एक LED TV लगा हुआ है जो 60 वाट का है। ठीक है, तो ये वाट प्रत्येक उपकरण के पीछे या उसकी साइड पर जरूर लिखा होगा, तो वहाँ आप उसे चेक कर लें कि ये कितने वाट का उपकरण है, उसके बाद इस कैलकुलेशन को करें। ठीक है, तो 9 वाट के 4 बल्ब 36 वाट की एनर्जी खर्च करते हैं, 3 बल्ब हो गए और 100 100 वाट के, तो 300 वाट की एनर्जी है और 60 वाट का जो है एक LED TV है वो 60 वाट का हो गया। ठीक है, अब परिचालन की अवधि देखिए, प्रत्येक उपकरण अलग अलग समय चलता है। ठीक है, बल्ब है, बल्ब 18 घंटे चलते हैं, सपोज डेट में प्रत्येक बल्ब 18 घंटा तो नहीं चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सपोज डेट 24 घंटे में यानी एक दिन में 18 घंटे बल्ब चलाते हैं हम और 15 घंटे के लिए पंखा चलाते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो मोस्टली ज़्यादा ही चलाते हैं। उसके बाद जो है TV है। ठीक है, तो TV का यूज हम 4 घंटे करते हैं। इस प्रकार से मैंने इसकी परिचालन अवधि भी डाली कि इतने समय तक चलते हैं। उसके बाद मैंने इसका क्या किया, इसकी निकाली यूनिट कितनी बनती है। तो 4 बल्ब 36 वाट के हिसाब मतलब 36 वाट के हिसाब से 18 घंटे चले तो उसकी जो यूनिट निकाली जाएगी 36 × 18/1000 का भाग दे दीजिए, वो यूनिट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक दिन आके आ गई। ठीक है, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 0.648 यूनिट खर्च होगी किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा। पंखा के द्वारा इसी प्रकार से 300 × 15/1000 4.5 यूनिट खर्च होगी एक दिन के अंदर यानी 18 घंटे, जब 15 घंटे जब मेरे तीनों पंखा चलेंगे तब। उसके बाद TV की बात करूँ तो ये 4 घंटे के अंदर जो है लगभग लगभग 0.24 मतलब 0.24 यानी कि चौथाई यूनिट खर्च कर लेती है। तो इस प्रकार से अब इन टोटल का योग कर दिया मैंने, सभी इक्विपमेंट का योग करने के बाद जो है इतना यूनिट आया एक दिन का खर्च यानी 24 घंटे का जो है इतना एवरेज निकल कर आया 5.388 यूनिट एक दिन में खर्च होती हैं। अब मुझको क्या है कि मैं मान के चलता हूँ ये मेरा जो बिल बन करके आता है वो 30 दिन का बन के आता है। ठीक है, तो हो सकता है कभी पहले आ जाता है मीटर रीडर, कभी बाद में आता है, तो मैं मान के चलता हूँ 30 दिन का एवरेज निकालता हूँ मैं, तो 30 दिन एक माह में यूनिटों की संख्या कितनी खर्च हो जाएगी, 5.388 का जो है मैं भाग दे दूँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 दिन में, तो कितना आ जाएगा, 161.64 यूनिट एक महीने के अंदर मेरी खर्च होती है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी क्या कि 161.64 यूनिट मेरे खर्च हो रही है। अब देखिए वर्तमान विद्युत मूल्य दर क्या है, वर्तमान विद्युत मूल्य दर मेरा 7.80 रुपये। मैं बताता चलूँ आपको, यदि आपका जो है कनेक्शन 1 किलोवाट का है और 100 यूनिट से खर्च करते हैं एक महीने में, तो आपका 3.5 रुपये के दर से मतलब जो है पर यूनिट के हिसाब से बिल बन करके आता है। यदि आप 100 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं
तो वो 120 वो 5 रुपये के करीब बन करके आता है, 5 रुपये पर यूनिट। और यदि आप 150 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं एक महीने के अंदर, तो वो 7 रुपये से अधिक पर यूनिट के हिसाब से बनकर आता है। तो बिजली कंपनी इस प्रकार से आपका यूनिट का चार्ज करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मेरा 161 यूनिट बनी है, यानी कि 150 यूनिट से ज़्यादा है, तो 150 यूनिट से ज़्यादा होने पर जो है मेरा बिल 7 रुपये 80 पैसे के हिसाब से भी बनकर आता है। ऑन एन एवरेज माना है मैंने, फिक्स नहीं है फिलहाल। तो 7 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 164.64 यूनिट कितने रुपये की बनती है, तो ये बनती है 1260.79 पैसा। तो 1261 रुपये के समथिंग बनेगा ना, 1261 रुपया प्रति माह के हिसाब से मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बन करके आएगा। अब साथियों ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी यूनिट के हिसाब से बनने वाला बिल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल में अन्य भी चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया तो फिक्स डिमांड चार्ज वो होता है जो आपके स्वीकृत लोड के हिसाब से लग के आता है। एक होता है ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो उसको समझते हैं बिल के माध्यम से, ठीक है। तो साथ ही एक मेरा ये दूसरा बिल है, ठीक है। इस माह का तो जो बिल अभी मेरा बनकर नहीं आया है, जो मैंने 100 कितना एक इसमें कितनी बनी थी 161 यूनिट का तो बिल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। 63 यूनिट खर्च की थी जिस माह मैंने, ठीक है। तो इस माह मैंने क्या किया, 63 यूनिट खर्च की थी, 63 यूनिट खर्च किए, यहाँ पर लिख रहा है टोटल कंजप्शन यूनिट 63 जो है मेरा किस हिसाब से लगाए, 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से ये बिल बनाया, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको कि 100 यूनिट से कम खर्च हो रही है तो फिर वो 3.5 रुपये के करीब लगेगा, 100 से ज़्यादा करता मैं तो 5 रुपये और 150 से ज़्यादा करता तो मैं 7 रुपये से ऊपर, इस प्रकार से। तो 63 का 3.35 की दर से 211 रुपये बनता है यूनिट, यूनिट का चार्ज है ये। अब दूसरा चार्ज क्या लगा है मेरा, दूसरा चार्ज लगा है FC, यानी कि जो है फिक्स डिमांड चार्ज, जो आपका लोड है 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का उसके अकॉर्डिंग लगता है। मेरा 1 किलोवाट का कनेक्शन है, कितना 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 1 किलो 1 kW का है, तो 1 किलोवाट में मेरा 67.5 रुपये लग करके आता है। अगर मेरा 2 किलोवाट का होता तो फिर ये 120 रुपये के करीब लगता है, ठीक है। और उससे ऊपर जाओगे तो फिर 500 रुपये के करीब, इस प्रकार से लगकर के आता है फिक्स डिमांड चार्ज, जो हर प्रत्येक बिल में लगकर के आता है, ठीक है। तो ये आपके स्वीकृत लोड पर निर्भर करता है, 1 किलोवाट पर मेरा 67.5 रुपये हर महीने लगकर के आता है, या मैं बिजली खर्च करूँ या ना करूँ, ठीक है, इस हिसाब से। और दूसरा तीसरा जो है चार्ज है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है EC यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस FC का 5% लग करके आता है, कितना 5% लग करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए FC कितना हो गया 67.5 रुपये, ED का है, ED ये रहा आपका, ठीक है, वर्तमान धन ED जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 13.93 रुपये, 13.93 को बोल सकते हैं हम 14 रुपये के करीब, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ करके जो बिल बनाया मेरा एक महीने का 292.48 रुपये बनाए। इस प्रकार से बिल की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। और अच्छा इससे भी अलग चार्ज हो सकते हैं, जैसे आप पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन पावर फैक्टर 1 से कम है, लो पावर फैक्टर सरचार्ज होता है एक, वो लगता है, लेकिन मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा होता है एक्सेस डिमांड पेनल्टी, यानी 1 किलोवाट का कनेक्शन है, यदि आप 2 किलोवाट चला रहे हैं तो उस पर जो है एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो वो तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो 0-0 है ये सब, तो शायद आपके यहाँ हो, मतलब इसे क्लियर कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पर ये तीन ही लगे, EC FC और ED, इन तीनों को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो अब तक आपने क्या समझा कि बिल की गणना कैसे की जाती है, यूनिट कैसे निकाली जाती है, और आपने समझा कि बिल के माध्यम से उसमें कौन कौन से सरचार्ज लग करके आते हैं। अब हम बात करते हैं बिजली का जो मीटर होता है उसे कैसे चेक करें कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारा जो है मीटर है वो फास्ट चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, तो उस चीज़ को कैसे चेक करें आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपके यहाँ पर सभी के यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो मीटर सही चल रहा है नहीं चल रहा है इसके लिए एक काम कीजिए, प्रेजेंट रीडिंग को आप करिए नोट, ठीक है, प्रेजेंट रीडिंग को कर लीजिए नोट, प्रेजेंट रीडिंग को आप कर लीजिए नोट, मतलब आपने प्रेजेंट रीडिंग को नोट किया, सपोज डेट आपके मीटर में 533.5 रीडिंग है वर्तमान में, कितनी है 533.5 रीडिंग है वर्तमान में। अब एक काम कीजिएगा, एक घंटे के लिए अपने मतलब सारे जो घर के कनेक्शन है सभी को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, शट कर दीजिए सभी को, और उसके बाद क्या करना है आपको एक घंटे के लिए 1 किलोवाट का कोई इक्विपमेंट चलाइए एक घंटे के लिए, क्योंकि आपको पता है एक किलोवाट का जो है हीटर हो या फिर कोई रॉड वगैरह हो जो पानी गर्म करने की होती है, मोस्टली 1 किलोवाट की होती है ज़्यादा, तो 1 किलोवाट का ऐसा उपकरण लीजिए, उसे 1 घंटे के लिए चलाइए, कितना 1 घंटे के लिए चलाइए। पहले तो आपने क्या किया साथियों, पहले तो आपको कर देना सभी घर के जो है आपके मतलब इक्विपमेंट है सभी को बंद कर देना, सभी मतलब पावर को बंद कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है आपकी जो मतलब रीडिंग कितनी है वर्तमान में आपके मीटर में। उसके बाद क्या करना है आपको,
ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद सभी को बंद कर दीजिए, केवल एक ही उपकरण को चलाइए, हीटर हो, हीटर 1 किलोवाट का है, हीटर है यानी 1000 वाट का हीटर है, 1 घंटे की चलाएंगे तो वो 1 यूनिट खर्च कर लेता है। कितना? 1 यूनिट खर्च कर लेगा 1000 वाट का, और 1000 वाट का 1 घंटे के लिए चला दिया जाए कोई उपकरण। तो मान लीजिए कि 100 वाट के आपके पास बल्ब हैं, तो 10 बल्ब जला दीजिए 100 वाट के, 1000 वाट हो गए, 1 घंटे के लिए चला दीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ 5 बल्ब हैं 100 वाट के, तो 500 वाट हो गया ना 1 घंटे में, तो 2 घंटे के लिए चला दीजिए। तो मैं सपोर्टेड 1 घंटे के लिए चलाना है आपको, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए जब आप चलाएंगे तो 1 किलोवाट का जो है आपका लोड, वो 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट खर्च करता है, ये आप पता कर लीजिए, ठीक है। ये क्लियर है आपको? 1 किलोवाट का लोड जो है 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट खर्च कर देता है। तो 1 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे तो अगर आपके मीटर में 5.33 से 5.34.5 हो जाते हैं, कितने? 5.34.5 हो जाते हैं, यानी कि 1 यूनिट बढ़ती है, तो आपका मीटर बिल्कुल फिक्स काम कर रहा है, ठीक है। आपका मीटर कैसा काम कर रहा है? फिक्स काम कर रहा है, मतलब कोई फास्ट नहीं चल रहा है, कोई स्लो नहीं चल रहा है, ये क्लियर हो गया। यदि आपका मीटर फास्ट चल रहा है तो क्या कीजिएगा? क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है यार हमारा फास्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, पड़ोसी का सुना यार उसका फास्ट चल रहा है, ओ तो मेरा भी फास्ट चल रहा होगा। तो आप मतलब पहले तो अपना चेक कीजिएगा, मेरा फास्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फास्ट चल रहा है तो फिर दूसरी कंडीशन ये चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके यहाँ पर लीकेज हो रही हो वायरिंग कहीं पर, ठीक है, अर्थ लीकेज हो रही है, कोई दिक्कत ऐसी आ रही हो जिससे कि जो मतलब पावर अंदर आपकी ज़्यादा खर्च हो रही हो, और जबकि हीटर आप 1 किलोवाट का चला रहे हैं और शायद लोड और कहीं भी मतलब लीकेज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको लग सकता है कि मेरा हीटर हाँ फास्ट चल रहा है। तो आप पहले अपने घर की वायरिंग को चेक कीजिए, कहीं आपके प्रॉपर वायरिंग है, ठीक है। तो उसके बाद यदि आपको फास्ट मतलब चलने की दिक्कत आती है तो आप कंपनी को, मीटर कंपनी को मतलब एप्लीकेशन लिखिए या फिर कॉल कीजिए, तो वो आपका मीटर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन, और स्लो चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो वैसे ईमानदारी तो यही है कि फिर भी आप शिकायत कीजिए, क्योंकि फिर वो वहाँ मतलब जब चेकिंग करने आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या जाना कि हम जो है मीटर में रीडिंग कैसे चेक करते हैं, कैसे अपने बिल की मतलब गणना करते हैं, मीटर हमारा फास्ट चल रहा है स्लो चल रहा है कैसे चल रहा है, इसकी भी कैसे गणना करनी है, इसी प्रकार से करनी है आपको, ये तरीका जान लिया और आपने बिल के हिसाब से जान लिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।